दोस्तों, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल में। आज हम आपको एक गूगल ड्राइव के बारे में वीडियो बताएंगे। कोई अगर हमारा डाटा, इम्पोर्टेंट डाटा, पर्सनल पिक्स, कोई डॉक्यूमेंट कंपनी का या कोई भी किसी भी तरह की फाइल्स हो जो हम गूगल ड्राइव में आजकल भरोसा करके अपलोड करते हैं। गूगल ड्राइव पर हम भरोसा इसलिए करते ताकि हमारा फ़ोन गुम जाए, मेमोरी कार्ड गुम जाए, कुछ भी हो जाए तो इनकेस हमको हमारी वो फाइल मिल सके। पर कई बार यूज़र से वो डिलीट हो जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा वो डिलीट होती है तो हम केसेस को पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब मैं एक फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था एक फ़ोटो का, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, वेटिंग टू अपलोड, ये अपलोड हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ये रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों ये तो मुझे बहुत आसानी से मिल सकता है। ये गया मैं और मैंने ट्रैश करा है, ट्रैश। तो इसके अंदर ट्रैश में मेरे कुछ और भी है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रैश में अभी जो मैंने डिलीट करा वो आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से भी परमानेंटली डिलीट फॉरएवर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि अगर ये मैंने क्लिक करा है तो ये हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर ये मेरा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता और मुझे वापस पाना हो गूगल से, तो मैं कैसे पाऊँ? तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप आपके होम ब्राउज़र पे जाइए, गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम ओपन करें। गूगल क्रोम में हम सबसे पहले इसके गूगल ड्राइव हेल्प पे जाएंगे। गूगल ड्राइव हेल्प, अब इसके अंदर ये रहा हेल्प का ऑप्शन। अब इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम डेस्कटॉप साइट यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप साइट में इतना ही मेनू खुल गया। तो ये देखिए, हाउ टू यूज़ गूगल, इस हर चीज़ की बता रखा है। तो स्टोर फाइल्स वगैरह, तो हमको इस यहाँ पर देखते कॉन्टेक्टस पे क्लिक करते। तो आप दोस्तों ये ऑप्शन देख सकते हैं, मिसिंग और डिलीटेड फाइल्स। ये दोस्तों ये मिसिंग और डिलीटेड फाइल्स का ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक करा तो ये बता रहा है रिक्वेस्ट कॉल बैक। मतलब एक हम बात कर किसके भी उनसे कर सकते हैं डिस्कशन की हमारी ये समस्या है। रिक्वेस्ट चैट, तो सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट चैट ही है जिसके लिए मतलब 2 या 3 मिनट में हमको अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने ये क्लिक करा रिक्वेस्ट चैट पर, तो ये ओपन हुआ। अब ये बोल रहा है मुझसे, सॉरी, सबसे पहले मैं मेरे गूगल अकाउंट चेंज कर लूँ जो मैं ये जिससे मैंने डिलीट कर थी। ये हाँ, ये आ गया। आप ये देखिए, से आपका नाम लिखना है जो आपका गूगल अकाउंट का पहला नाम है। इसमें प्रमोद लिखा है तो मैं प्रमोद लिखूँगा। और ये पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कैन यू रिस्टोर माय डिलीटेड फाइल्स। मैंने सबमिट कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप साइट पे जब तक नहीं करोगे आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी चैट का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी ये मैं जूम आउट करूँगा, ये देखिए यह दिख रही है, आप देख सकते हैं जूम करके बताया मैंने। ये गूगल सपोर्ट की ये लामिया नाम की हेल्पर हमारी चैट के लिए उपलब्ध हो चुकी है। अब मैं इससे बोलता हूँ कि कैन यू रिकवर माई फाइल। दोस्तों ये जूम करके आपको अच्छे से शो कर दूँ। और डेस्कटॉप साइट के लिए साइट कैसे ओपन करते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इस पर क्लिक करिए, ये डेस्कटॉप साइट का आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए तो ये कंप्यूटर जैसी साइट खुल जाएगी। देखिए इसका क्या रिप्लाई है, क्या कि आई होप यू आर डूइंग गेट। मैंने बोला किससे कि मेरे फाइल्स रिपेयर रिकवर कर दीजिए। इसका रिप्लाई आ रही है, देखते हैं क्या बोल रहा है।
ये देखिए दोस्तों, आ गई हमारी फाइल। यही फ़ोटो मैंने आपके सामने डिलीट करा था परमानेंटली, और ये आ चुका है वापस अपने आप। इस तरीके से दोस्तों हम सभी तरीके की हमारी जितनी फाइल डिलीट हो चुकी है परमानेंटली, हम सारी निकाल सकते हैं। ये देख लिए, बोल भी रहा है डन रनिंग, कैन यू चेक योर गूगल ड्राइव अकाउंट टू सी इफ द फाइल यूनिट आर रिस्टोर्ड। यस रिस्टोर्ड, थैंक यू सो मच माई डियर। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस तरीके से हम हमारी कोई सी फाइल वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखें, लाइक करें, पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा, और आप बिल्कुल कभी भी किसी भी वक्त ये प्रोसेस कर सकते हैं। किसी को किसी से शेयर भी कर सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को से बिल्कुल याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए। मैं यह नया यूट्यूबर हूँ, पर मैं यही चाहता हूँ कि जो ये कुछ ट्रिक्स है जो हम डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत काम किए, मैं वो यही सब लाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे चैनल का नाम नथिंग इज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, तो वही सब मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने जो भी सजेशन है मुझसे, या गलती हुई है कोई वीडियो बनाने में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे आपका इंतजार है। आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं अगली वीडियो और भी बहुत बेहतर तरीके से बनाऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।